हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं अनबॉक्स करूंगा ये बोया की तरफ से बोया M1 माइक। तो जैसा कि आप यहां पर फीचर्स देख सकते हैं, ये सब फीचर हैं। पहले तो देखिए, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एक्सेट्रा, ये सबको सपोर्ट करता है। बाद में ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कंडेंसर, इज आइडियल फॉर वीडियो यूज़, लॉन्ग हैंडलिंग नॉइज, में से नॉइज बहुत ही कम आती है। इंक्लूड लेबल क्लिप, LR44 बैटरी, फोम वाइड स्क्रीन, 1/4 एडाप्टर। सो ये सब इसके फीचर हैं। ये माइक आपको पता है, बहुत ही सारे यूट्यूबर यूज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते हैं पहले इसमें कुछ तो है। मैं देखिए, इसका ये है यूज़र मैनुअल गाइड, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। देखिए सब चाइनीज़ में भी लिखा है, अच्छा आपको आते ही तो पढ़ सकते हैं। और इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें सब सारी चीज़ें होंगी। ये देखते हैं पहले तो ये मेन माइक, सॉरी ये मेन ये है वायर इसका। ये आप चाहे तो ये देखिए मोबाइल को कनेक्ट करके या फिर आपके कैमरा को कनेक्ट करके या किसी को भी रेडियो को कनेक्ट करके आप ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, ये सब इसका कुछ है इंडस्ट्रियल कुछ फॉर्म इसका रहेगा, आप चाहे तो ये भर सकते फिलहाल इसकी जरूरत। और इसमें और आता है देखिए, ये कैमरा की बैटरी, मतलब मैंने आपको जैसे पहला दिखाया था, अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो ये बैटरी आपको अंदर डालनी पड़ेगी, तभी ये बैटरी चलेगी, सॉरी कैमरा चलेगा। और ये है, ये देखिए, ये आपको रेडियो में कनेक्ट करना है तो आपको ये यूज़ करना है, या फिर स्मार्ट टीवी में आपको ये लगाना है। अब देखिए हम इसकी फुल वायर की बात करें, फर्स्ट इंप्रेशन में क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वालिटी। और इधर आप माइक लगा के लगा सकते हैं। और ये देखिए कनेक्ट, इसे पहले ही बताया था, ये मोबाइल को कनेक्ट करके आप ऑन कर सकते हैं। और अब हम इसकी बात करें, ये देखिए इधर आप देखिए, अगर आपको कैमरा में लगाना है तो ये ऑन करना है, अगर स्मार्टफोन में लगाना है तो ये देखिए ये ऑन कर दीजिए ऐसे, और ये आपको स्मार्टफोन में कनेक्ट हो जाएगा। और ये आपको होल्ड करने के लिए ये दिया है, अगर आप इसे ओपन करेंगे ये इधर आपको बैटरी लगाना है, अगर आप कैमरा में यूज़ करते हैं तो आपको इधर बैटरी डालना है इसके अंदर, और ये आपको यूज़ करना है। और ये आता है देखिए, ये होल्डर शर्ट पे आप लगा सकते हैं, देखिए होल्ड करके, और ये स्पॉन्ज आता है कैमरा में लगाने के लिए। अभी हमने सब सेटअप कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट आपको आवाज़ दिखाऊँगा कि अगर आप विदाउट माइक और विथ माइक ये आवाज़ कैसे आती है, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, तो चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, अब आप सुन रहे हैं मेरी नॉर्मल साउंड विदाउट माइक, तो आप ये सुन सकते हैं। और अब मैं अपनी माइक ऐड करता हूँ, इसमें मोबाइल में डालता हूँ, तो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरी साउंड क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव हो गया दोस्तों, वॉइस भी क्लियर है और साइड में नॉइज़ कैंसिलेशन भी बहुत हुआ है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट दीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।